हेलो गाइस, तो आज आप लोगों को हम दिखाने वाले हैं बना के चाट। ये हमारा चाट है, चना चाट। ये बहुत ही टेस्टी बना है, इंस्टेंट बनने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको चना लेना पड़ेगा। ये चना भिगो के रख दिया गया था रात को ही, और इसके साथ मिर्च है, प्याज है, और इसको हम बनाएंगे चना चाट। ये चना चाट आप शाम के टाइम में या ब्रेकफास्ट के टाइम में आराम से खा सकते हैं चाय के साथ। ये काफ़ी टेस्टी लगता है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक ये कुकर चढ़ाएंगे गैस पे, और उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे, ऑयल 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 के बाद मिर्च, जीरा और तेज पत्ता। उसके बाद ये हरी मिर्च और लाल मिर्च दोनों डालेंगे, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। उसके बाद प्याज डालेंगे, उसके बाद इसको थोड़ा भूनेंगे, और भूनने के बाद हम इसमें चना को डाल देंगे। ठीक है, अच्छे तरह से प्याज भून जाएगा तो इसमें चना डालेंगे। चना को ही हम अच्छी तरह से भूनेंगे, इतना अच्छा से भूनेंगे कि कम से कम इसमें का इसमें सभी मसाले भी इसमें डाल देंगे। मसालों को भी डाल के भूनेंगे। मसाले में आप इसमें धनिया, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल सकते हैं। अगर आपको कम मसाले लगाना है तो कम मसाले लगाइए, ज़्यादा मसाले लगाना है तो ज़्यादा मसाले लगाइए। लाल मिर्च भी आप डाल सकते हैं, और हम लोग ज़्यादा मसाले नहीं खाते हैं इसलिए हम लोगों ने कम कम मसाला ही डाला है। तो आप अपने हिसाब से मसाले ऐड कर सकते हैं। और लहसुन और जीरा का पेस्ट था वो भी हमने डाल दिया इसमें, और इसको थोड़ा देर भूनेंगे अच्छी तरह से। और इसमें नमक भी हमने डाल दिया। इसके बाद इसको जब तक ये अच्छी तरह से भून ना जाए, मसाले पक ना जाए, तब तक इसे भूनते रहेंगे। ठीक है, और ये काफ़ी इंस्टेंट बनने वाला है। और इसमें पानी ऐड करके और इसे बंद कर देंगे कुकर को, जब तक ये कुकर चार सीटी बज ना जाए। उसके बाद हम इधर काट लेंगे। इसके ऊपर से डालने के लिए टमाटर, खीरा और नींबू है, और थोड़ा सा प्याज है, थोड़ा सा मिर्च है। क्योंकि ये बन जाएगा तो इसके ऊपर से हम डाल देंगे। इसके बाद देख सकते हैं हमारा जो सीटी था वो कुकर सीटी था वो लग चुका है, और ये बन के तैयार हो चुका है चना छोला। अब इसे हम प्लेट में रख लेंगे, सर्व कर लेंगे। और इसमें जितने भी हम लोगों ने काटे थे प्याज वगैरह, प्याज खीरे और जो भी हमने काटे हुए थे ऊपर से डालने के लिए, गार्निश करने के लिए, वो हम कर लेंगे। और इसे हम आप इंजॉय कर सकते हैं। ऐसे भी आप बिना गार्निश किए भी आप रोटी के साथ, चावल के साथ इंजॉय कर सकते हैं। काफ़ी ये टेस्टी बनता है, लेकिन हमें ऐसे ही चाट बना के खाना, तो इसलिए हमने इस पर ये सब ऐड किया। और ये आप कभी भी बना सकते हैं, आपके घर मेहमान भी आए तो आप उन्हें भी ये खिला सकते हैं। ये काफ़ी इंस्टेंट बनने वाला है, कम टाइम में बनने वाला है, आप ज़रूर इसे ट्राई करें। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और इस इतना ही कहना चाहेंगे कि आप इसे ट्राई ज़रूर करें, बनाए ज़रूर। ये हमने बनाया था, हमारे भी घर कुछ गेस्ट आए थे तो उनके लिए हम लोग ये बनाया है। तो उन्होंने बहुत ही तारीफ़ किया ये खा के, उनको लगा कि वाह बहुत अच्छा बना है। और इसको आप डालने के बाद इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे हमेशा रेसिपी वीडियो और ब्लॉग वीडियोज भी आते हैं। आपको आपका जैसा डिमांड है आगे की वीडियो का, वो भी आप लिख के दे सकते हैं कि हाँ आपको अगली वीडियो को कैसी चाहिए, रेसिपी वीडियो चाहिए या ब्लॉग वीडियो चाहिए। आपको हर टाइप्स के यहाँ पे वीडियो आपको अवेलेबल है, क्योंकि ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड चैनल है। तो आप बता सकते हैं आपको कैसी वीडियो चाहिए, वो भी आप यहाँ पे कमेंट में कर सकते हैं। और आपको आज की रेसिपी कैसी लगी उसके बारे में बताना ना भूले। और देखिए इस पर हमने बहुत सारे चीज़ ऐड किया, और ये काफ़ी टेस्टी लग रहा था। इस पर आप अपना केचप, मेयोनीज ये सब भी डाल सकते हैं। और उसके बाद ये मिक्सचर भी हमने ऐड किया। ये सच में बहुत ही टेस्टी था, जिन्होंने खाया वो बोले बहुत ही टेस्टी है। ये फूड चाट आप बहुत ही आराम से बना के सर्व कर सकते हैं, बहुत कम टाइम में बनने वाला है। थैंक यू सो मच वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।